अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एप्पल प्यूरी बेबीज़ के लिए आप 4+ मंथ्स बेबीज़ को ये खिला सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक सेब लिया है, एक फ्रेश सेब लेकर हम उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसका छिलका छील लेंगे और उसके बीच में से जो बीज है वो भी निकाल देंगे। अगर आपको हमारे रेसिपीज़ और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप 4 महीने के बाद से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से इसके बीजों और छिलके को निकाल लिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी तो सिर्फ आधा सेब ही यूज़ होगा, पहले हम आधे से शुरू करेंगे। यहाँ पर इसको हमने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है, सेब के पीसेस को इसको हम बारीक पीसेस में काट लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी ख्याल रहे कि आप मीठा स्वीट वाला सेब लें, खट्टा होता है जो होता है वो बच्चों को मत खिलाएं, इसकी वजह से उन्हें खांसी और सर्दी भी हो सकती है और उसका टेस्ट भी पसंद नहीं आएगा बच्चों को पहले ही, अगर आप उनको ऐसे एप्पल देंगे तो। इसलिए ख्याल रखें कि मीठा एप्पल ही दें। फिर यहाँ पे जो हमने काटा था उसको हम स्टीमर में डाल देंगे। आपके पास जो भी स्टीमर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर एक रिंग रख के उसके ऊपर ये स्टीमर प्लेट रख दी है, फिर हमने उसमें सेब के दो टुकड़े बनाए थे उनको हम डाल देंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेब को या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल की आप प्योरी बना रहे हैं बच्चों के लिए तो उसको हरगिज़ भी आप बॉयल पानी डालकर मत करें और प्रेशर कुक मत करें, इसी तरह स्टीम करें, और अब जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। 10 मिनट तक हम इसको स्टीम दे देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे फोर्क की मदद से कि ये स्टीम का अच्छी तरह से हो गया है। अगर हो गया है तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बार जब ये ठंडा हो गया तब हम इसको प्यूरी बनाएंगे। यहाँ पर हमने जार लिया है जिसमें हमने सेब के टुकड़ों को डाल लिया है। इसमें आप BM या FM ऐड करें। यहाँ पर मैंने 40-50 ml लिया है दूध। आप जो भी दूध बच्चे को दे रहे हैं, FM दे रहे हैं, फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर जो है, ये हैंड ब्लेंडर कैसे यूज़ करना है इसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको आप ज़रूर देखें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप इसके लिए मिक्सर जार भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ख्याल रहे कि जार जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो, या फिर आप उसको गर्म पानी से धो लें, वरना जो अगर आप सेम जार कोई मसाला वगैरह पीसने के लिए यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि मसाला का टेस्ट जो है वो प्योरी में आ जाएगा, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप एक सेपरेट जार रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर पहले तो मैंने 50 ml में से आधा मिल्क दूध जो है डाल दिया था प्योरी में, फिर आधा बाकी का भी डालकर इसको अच्छे से एकदम बारीक फाइन पेस्ट की तरह इसकी प्योरी बना लेंगे। अगर और कुछ दूध की ज़्यादा ज़रूरत है तो और भी डालकर आप बना सकते हैं। बेटर रहेगा कि छोटे बच्चे हैं, पहली बार दे रहे हैं, उनको सिर्फ दूध पीने की आदत होती है, तो ये लिक्विडी हो तो ही ठीक रहेगा स्टार्टिंग में, जब तक उनको आदत नहीं हो जाती सॉलिड फूड की। प्योरी तैयार हो गई है। यहाँ पर हम स्क्वीज फीडर यूज़ कर रहे हैं। आप स्पून और बाउल भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से धोकर स्टरलाइज करके। ये स्क्वीज फीडर, इसको भी हमने अच्छे से धोकर स्टरलाइज कर लिया है। ये बहुत ही आसान है यूज़ करना भी और फ्रेंडली भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप बच्चों को खिला रहे होंगे वो हाथ पैर मार रहे होंगे तो बाउल होगा तो गिरकर खाना जो है वो वेस्ट होने का चांसेस होता है, इसमें वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और हम स्क्वीज़ करते रहेंगे तो जितना क्वांटिटी की ज़रूरत होगी एक टाइम में उतना ही आएगा, और एकदम जो है स्क्वीज़ नीचे का और ऊपर का जो स्पून है वो दोनों ही सिलिकॉन से बने हैं, फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ही अनहेल्दी नहीं है कि इस तरह से, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है ये। हम इसी को रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए। हमारा बेबी भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट 5 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो अभी हमने स्टार्ट किया है।
पहला हमने दिया है यही एप्पल प्यूरी से स्टार्ट किया है बेबी के लिए। इसको हम स्क्वीज बॉटल में डाल देंगे और अच्छे से इसको बंद कर देंगे। आप जब भी यूज़ ना करना हो, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रखना हो या फिर कहीं लेकर जा रहे हो, तो इसको आप एक जो प्लेट है बीच में वो रख देंगे तो ये लीक नहीं होगा। इस तरह से इसे हम रख कर क्लोज कर देंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।